आप सब दोस्तों से एक बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये एक सदका जारिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुँचाएँ। हमारे साथ ये हादसा ये हुआ है कि पिछले हफ्ते सैटरडे को हम मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे की शादी हुई, और जहाँ शादी हुई वो बेचारी इकलौती बेटी थी उनकी पेरेंट्स की। और इस सैटरडे को हादसा ये हुआ कि वो वॉशरूम में गई और काफ़ी देर जब ना निकली तो दरवाज़े नॉक किए, कोई अंदर से आवाज़ ना आई। उसके बाद फिर दरवाज़े को तोड़ा गया तो अंदर उसकी डेथ हो चुकी थी, अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी और डेथ हो चुकी थी। काफ़ी कोशिशों के बाद जो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि उन्होंने इंस्टेंट गीज़र अंदर लगवाया हुआ था, और इंस्टेंट गीज़र का ये कहा जाता है कि इसको ओपन एयर में आप इंस्टॉल करें। उन्होंने अंदर बिल्कुल वॉश बेसिन के साथ कराया हुआ था, और जब लोगों से ये बात की, लोगों से शेयर किया, तो बेशुमार लोगों ने बताया कि हमारे भी अजीज़ों की ये डेथ हो गई, इसी तरह डेथ हो गई कि इंस्टेंट गीज़र की वजह से। तो अब ये जब नेट से मैंने पता किया तो पता चला जी कि ये उन्होंने साइलेंट किलर का नाम इसको दिया है कि वो गैस के बनने से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है जो कि बेरंग और बेबू होती है, और इंसान के दिमाग को विद इन सेकेंड ये शेल कर देती है। तो आप सब दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और अवेयरनेस क्रिएट कीजिएगा। बेशुमार लोगों ने बताया कि हमारे साथ भी ये हादसा हो चुका है, हमारे रिलेटिव में हो चुका है। जिस जैसे बात करते हैं वो कहते हैं अब पिछले साल हुआ है, इस साल हुआ है। तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा।